मैं तो जब मैं 15 ईयर्स की थी तब मेरे टीम भी वहाँ किया था, तो मैं जीती थी वहाँ पे, मैंने नेशनल में सीनियर नेशनल रिप्रेजेंट किया था. तब से ही मूवी ऑफर्स काफ़ी आ रहे हैं, बट आई वाज फोकसिंग ऑन माय स्टडीज और अभी मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, देखते हैं पढ़ाई तो खत्म हुई है. ये रांची मैडम पहली बार आई है क्या? पहली बार आई हूँ. मुंबई दिल्ली और ये सब की अपेक्षा रांची आपको कैसा लगा? सबसे पहले जवाब ये आया था, चलो आज मैं देखूंगी धोनी कहाँ पैदा हूँ मैं. काफ़ी अच्छा लगा आके, काफ़ी हॉस्पिटल हैं, लोग काफ़ी अच्छे हैं. मैं काफ़ी मिसिंग से जानती हूँ जो पहले बन चुकी हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा उनसे पूछती रहती हूँ कि क्या है कैसे हैं, और अभी भी जब मैं वापस बॉम्बे जाऊँगी तो उनसे मिलूँगी और जानूँगी कि कैसे तैयारी करूँ वहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेड है. जो लोग नए लोग इसमें आना चाहते हैं उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो पहले अपने आप से खुश होना उनको सीखना पड़ेगा, कि जैसे वो हैं उनको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डालें, और जो भी करने आप आए हैं कॉन्फिडेंस से करें, और सिर्फ यही नहीं अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, टोन अप करें, जिम जाएं, बॉडी बनाएं, और स्किन का ख्याल रखें, तभी स्किन पे ग्लो आएगा, और सोसाइटी के लिए भी अगर वो कुछ कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मिस इंडिया हमेशा से एक वो फिगर रहा है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए. तो अगर आप खुद ही ऐसे हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं और सोसाइटी में कुछ चेंज ला रहे हैं, तो उससे और यूथ जो होगा वो भी इंस्पायर होगा.